नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरों पर। अमेरिका के कैलिफोर्निया शहर में अज्ञात व्यक्ति ने किया गुरु ग्रंथ साहिब का अपमान। सिख समुदाय में तनाव का माहौल, विरोध में सिखों ने किया प्रदर्शन। इराक की राजधानी काबुल के अस्पताल में लगी आग, 24 नवजात शिशुओं की मौत। शॉर्ट सर्किट होने की जताई जा रही है आशंका। डोनाल्ड ट्रंप के विरोध में हर पांचवा रिपब्लिकन, 19% पंजीकृत रिपब्लिकन मतदाता चाहते हैं ट्रंप को बदलना। अमेरिकी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं ट्रंप। ब्रिटेन के पशु चिकित्सक और विज्ञान स्कूल के शोधकर्ताओं का खुलासा, 3 दशकों से कुत्तों की बढ़ती जनसंख्या में आई कमी। पर्यावरण प्रदूषण से घट रही है कुत्तों की प्रजनन क्षमता। ब्राजील की निलंबित राष्ट्रपति डिल्मा रोसेफ के खिलाफ महाभियोग शुरू करने की मिली मंजूरी, ब्राजील के सीनेट ने किया फैसला। रोसेफ पर 2014 के बजट संतुलन के दौरान धोखाधड़ी का है आरोप। तुर्की के दक्षिण पूर्व प्रांत दियार बकीर के 2 शहरों में बम विस्फोट, 4 सैनिकों समेत 13 लोगों की मौत, कई घायल। कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी के सदस्यों पर है हमले का आरोप। तो ये थे अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।